कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरा सिस्टम बनने लगा। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील। शहर के वसी और जुनूबी हिस्सों में तेज बारिश। नाजमाबाद, लियाकतबाद सदर और अतराफ में भी हल्की बारिश। कई इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात का समुद्री तूफान असना का छठा अलर्ट जारी। समुद्री तूफान बहरे अरब में कराची से 230 किलोमीटर जनूब मगरब में मौजूद। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के मुल्हिका इलाकों में तुगयानी का खदशा। कराची में मजीद बारिशें होंगी। कराची एयरपोर्ट पर परवाजों को लैंडिंग में हवा के तेज दबाव के बायस दुश्वारी का सामना। छठा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पानी की किल्लत का शिकार कराची वालों के लिए अच्छी खबर। हालिया बारिशों से हब डैम मुकम्मल तौर पर भर गया। डैम के स्पिलवे से पानी का इखराज शुरू हो गया। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक अगले 3 साल तक कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी जारी रहेगी। हब डैम से जिला वस्ती और जिला गरबी की गुंजान आबाद इलाकों को पानी फराहम किया जाता है। बानी के माफी मांगने तक उनसे मुजाकरात नहीं हो सकते। नून लीग इजलास के बाद वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा, मुल्क बार बार इलेक्शन का मुतहमल नहीं हो सकता। 9 मई मुल्क का 9/11 था। नवाज शरीफ के लंदन जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं, अगर गए तो मेडिकल चेकअप के बाद वापस आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं। सहाफी ने सवाल किया, क्या महमूद खान अचकज़ई के जरिए पीटीआई से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या आप इस टीम का हिस्सा हैं? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, न ऐसी किसी टीम का हिस्सा हूं और ना ही पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में हूं। पीटीआई ने अपनी नाकस पॉलिसियों की वजह से अवाम को महंगी बिजली और महंगाई के दलदल में धकेल दिया। नून लीग मुल्क की वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना चाहती है। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी के हंगामी इजलास से खिताब, कहा घरेलू साफिन के बाद अब सनअती साफिन के रिलीफ के जरिए तलाश कर रहे हैं। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अवलीन तरजीह है। इजलास में वजीर आजम ने नई हुकूमती मौशी पॉलिसी के बारे में शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरका ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को बिजली साफिन को रिलीफ देने पर खराज तहसीन पेश किया। जिला खैबर में फितनाल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन में शामिल पाक फौज के ग्राउंड कमांडर्स के तासुरात, कहा वादी तीरा में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन सौंपा गया। जवानों की बहादुरी की वजह से हमने खवारिज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आखिरी खारजी की मौजूदगी तक इनका पीछा करते रहेंगे। और गजा में 6,40,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन की ज़रूरत। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए $50 लाख के अतिये का ऐलान। आलमी दारे सेहत ने इंसदादे पोलियो मुहिम से कबल अमले की सलामती और तहफ़ फराहम करने का मुतालबा कर रखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।